ग्वालियर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर मोहाना थाना क्षेत्र के पास दो कंजरों के ढेरों पर छापामार कार्रवाई की है। घाटी गांव SDOP संतोष पटेल, SDM अनिल बनवरिया और आबकारी विभाग को 22,50,000 रुपए कीमत का 45,300 लीटर किलो गुड़ लहान और 22,50,000 रुपए की 9,800 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब सहित ड्रम, पानी की मोटर और शराब बनाने की भट्टियां बरामद की हैं, जिसे मौके पर सैंपल लेकर नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही आबकारी विभाग को अवैध शराब बनाने वाला सामान भी मिला है। वहीं आबकारी विभाग के पहुंचने की खबर लगते ही मौका पाकर आरोपी भागने में सफल हो गए। फिलहाल आबकारी विभाग ने आबकारी अधिनियम के तहत दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घाटी गांव SDOP संतोष पटेल, SDM अनिल बनवरिया व आबकारी विभाग के SI मनीष द्विवेदी ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मोहना क्षेत्र के पास कंजरों के ढेरों पर अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम बनाकर मोहना पहुंचकर दो ठिकानों पर दाविश की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में हजारों लीटर गुड़ लहान और कच्ची हाथ भट्टी मिली है, जिसकी कीमत 45,00,000 रुपए है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। वहीं मौका पाकर आरोपी फरार हो गए, जिनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। कंजरों में जो प्रोफेशनल जो इथिक्स हैं या उस तरह से वो कार्य करते ही रहते हैं, तो उसके क्रम में आज सूचना मिली थी कि उन्होंने काफ़ी सारे ड्रम जुगाड़ रखे हैं। जिस तरह भी तिगरा की पहाड़ी पर हम लोगों ने कार्य किया था, वहाँ देखा था हम लोगों ने कि ये ड्रम गड़े हुए थे। उसी सिलसिले में आगे कार्य किया मोहना में आज, तो वहाँ लगभग 40 से 45 लाख रुपये का गुड़ लहान और शराब आज हम लोगों ने जब्त और नष्ट किया है। क्योंकि वही आरोपी गाड़ियों को देख के रोड से पहले ही फरार हो जाते हैं,